students, welcome to the YouTube channel of Welkin National School, Vasai East. This is from Mrs. Jyoti Kulkarni, your subject teacher of Marathi. Mulanno, aaj mi tumhala Marathi Sulabh Bharati iyatta 6vi ya pathatil ya pustakatil kavita 15 Holi aali re Holi. Ata March mahina yeto mulanno, to Holi yete hai na, to tya Holi var hi kavita aahe. Ya kavitet apan जसं ग्लोबल वॉर्मिंग होतं प्रदूषण टाळायसाठी बऱ्याच काही गोष्टी सांगितल्या आहेत आणि आपण होळीच्या दिवशी पुरणपोळी खातो हे सगळं सांगितलेलं आहे. तर ह्याचे कवी आहेत दिलीप पाटील. चला तर मुलांनो आपण सुरुवात करूया. तुम्ही या पिक्चरमध्ये पाहू शकता बहीण भाऊ आहेत, ते पुरणपोळी खात आहेत, जेवत बसलेले आहेत, इथे कचरा जमा करून टाकत आहेत मुलं. तर आपण पाहूया. होळी आली होळी खाऊ पुरणाची पोळी, झाडे फांद्या तोडू नका, केर कचरा खड्ड्यात टाका. आणि होळी आली होळी, होळी आई ये होळी, हम लोग उरण की पोळी खाएंगे. फांदे झाड्या तोडू नका, केर कचरा खड्ड्यात टाका. जो होली के लिए खड्डा बनाया रहता है जलाने के लिए, उसमें स्टीम स्टेम यानी झाड़ के स्टेम रहते हैं, वो मत तोड़ो, झाड़ मत तोड़ो. जो कूड़ा कचरा जमा है वो जमा करके खड्डे में डालो और उसी से होली जलाओ. होळी आली होळी भरा सद्गुणांची झोळी, अनिष्य रूढी प्रथांची बांधू होळीसाठी मोळी. होळी आली होळी भरा सद्गुणांची झोळी, यानी सद्गुण यानी क्या, अच्छे गुण. होली में जो आप लोग यानी अनिष्ट रूढ़ी यानी जो अंधश्रद्धा रहती है होली में, ये करने का वो करने का, ऐसा कलर कर लगाने से किसी की अगर आँख में जाता है या होली से लकड़े जलाने के बाद ऐसा होता है वैसा, तो वो सब झूठ है. जो अच्छा है यानी होली का सद्गुण, जो गुण अच्छे है उसकी ही आप होली करो, और जो अवगुण है अनिष्ट रूढ़ी यानी अंधश्रद्धा है वो छोड़ दो. होळी आली होळी ठेवू पर्यावरणाचे भान, नका तोडू वृक्ष राजी घ्यावी अशी आज आण. आण यानी कसम. आणि होळी आली होळी, होली आई है लेकिन हमें एनवायरमेंट जो अपना है वो साफ रखने का है. उसमें आप ऐसे कसम लो कि हम लोग पेड़ नहीं तोड़ेंगे, जो कूड़ा कचरा है उससे ही हम लोग होली जलाएंगे, ऐसी कसम लो और उसमें ही होली सेलिब्रेट करो. होळी आली होळी पळून गेली दूर थंडी, ऊन आता वाढू लागले काढा कपाट आतून बंडी. होळीचा हा सण असा जो कोणी साजरा करीन, निसर्गराजा त्याचे घरी स्वतः येऊन पाणी भरी. यानी होळी अभी आई है और होळी जैसे आई है तो थंडी दूर गई है, तो बंडी, बंडी यानी जो पतला कपड़ा रहता है, जो पेटी कोट बने रहता है ना पतले वाला कॉटन का, तो बोलते हैं अभी कपाट में से जो गर्म के गर्मी के कपड़े हैं वो निकालो, क्योंकि होली से पहले ठंडी रहती है और ठंडी में हम लोग स्वेटर वेटर पहनते हैं और गर्मी में हम लोग एकदम कॉटन के पतले कपड़े पहनते हैं, इसलिए बोलते हैं कि कपाट में से जो कॉटन के कपड़े हैं गर्मी के वो कपड़े निकालो. होळीचा हा सण असा जो कोणी साजरा करील, निसर्गराजा त्याचे घरी स्वतः येऊन पाणी भरील. निसर्गराजा यानी जो नेचर है पाणी स्वतः येऊन भरील, यानी जो आप अगर अच्छा काम करोगे, अगर अच्छा प्रदूषण जो पूरा अपने नेचर को जो हानि नहीं पहुँचाएंगे, पहुँचने से जैसा काम नहीं करोगे, होली में अच्छी तरह से होली करोगे तो आपके ऊपर नेचर प्रसन्न होगा और पानी भरेगा. इसका मतलब अगर आप झाड़ नहीं तोड़ोगे, जंगल में अच्छी झाड़ रहेगी, आजू बाजू में पेड़ रहेंगे तो बारिश अच्छी आएगी, बारिश अच्छी आएगी तो अपने को पीने को पानी भी मिलेगा. अभी पानी की भी बहुत दिक्कत होती है, इसलिए बोला गया है कि अगर आप अच्छी तरह से होली सेलिब्रेट करोगे तो निसर्ग यानी नेचर आपके घर में पानी भरेगा. इसका मतलब शांति ही शांति रहेगी, आपके कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा. कैसे रहता है बच्चों, अगर नेचर के अगर कचरा करेंगे, हम लोग झाड़ तोड़ेंगे तो अपने आप ही नेचर गुस्सा होता है, फिर अपने को पीने का पानी भी नहीं मिलता है, इसलिए बोला गया है. होळी आली होळी खाऊ पुरणाची पोळी, अभी मैं ये पोयम आपको बोल के बताती हूँ. होळी आली होळी खावी पुरणाची पोळी, झाडे फांद्या तोडू नका, केर कचरा खड्ड्यात टाका. होळी आली होळी परा सद्गुणांची झोळी, अनिष्ट रूढी प्रथांची बांधू होळीसाठी मोळी. होळी आली होळी ठेवू पर्यावरणाचे भान,
नका तोडू वृक्ष राजी घ्यावी आज अशी आण. होळी आली होळी पळून गेली दूर थंडी ऊन आता लागलंय वाढू काढा कपाटातून बंडी. होळीचा हा सण असा जो कोणी साजरा करीत निसर्गराजा त्याचे घरी स्वतः येऊन पाणी भरील. तर ही कवितेची चाल आहे. तुम्ही कविता पाठ करा आणि त्याप्रमाणे होळीचा सण साजरा करा, है ना. अनिष्ट रूढी म्हणजे जे अंधश्रद्धा आहेत त्या काढून टाका आणि झाडं लावा, केर कचरा खड्ड्यात टाकून होळी पेटवा आणि त्या दिवशी पुरणाची पोळी खा आणि गर्मी चालू झाली की कॉटनचे कपडे यूज करा, असं ह्या कवितेत सांगितलेलं आहे. थँक्यू.